राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईके सिटी न्यूज। आगरा में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज सुबह 8 बजे से ही वोट डलना शुरू हो गए थे। इस बार वोटिंग के दौरान कुछ नई व्यवस्थाओं को लागू किया गया है, जैसे कि वोटर की थर्मल स्क्रीन, हाथ सैनिटाइजर जैसे कार्य सभी वोटर के लिए जरूरी है। सभी राजनीतिक दल जीत का दावा कर रहे हैं। सपा अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार ने भी अपने प्रत्याशी की जीत निश्चित बताई। अब देखना ये होगा कि तकदीर किसकी चमकती है। वाईके सिटी न्यूज से संवाददाता जीशान हेमंत की रिपोर्ट, आगरा से। जनपद आगरा में चुनाव की प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से लोग पोलिंग बूथ पर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पोलिंग बूथों पर इस बार नई चीज देखने को मिली है। आगरा के डॉक्टरों को बिठाया गया है, तो सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग एवं सैनिटाइजर कराया जा रहा है। लोग वोट डालने के बाद वापस भी जा रहे हैं, तब भी उनके हैंड सैनिटाइजर कराए जा रहे हैं। हर प्रत्याशी अपने जीत का दावा भर रहा है। जैसा कि हमने बात करी चौधरी वाजिद निसार से, महानगर अध्यक्ष से, उन्होंने भी अपने प्रत्याशी को जीत का दावा भरा है। और अब देखना जो होगा किसकी किस्मत में है जीत, उसके बाद ही मालूम पड़ पाएगा। मैं किसान अहमद, वाईके सिटी न्यूज, आगरा। आपका शुभ नाम? कनिका जी, आप तो जो एमएलसी के जो वोट डाल के आए हैं, आप उन एमएलसी को उम्मीदवार बना के भेजेंगे, तो आप उनसे क्या उम्मीद रखती हैं? उनसे टीचर्स के लिए सैलरी पैकेज भी अच्छा रखें और टाइम टू टाइम ज़्यादा ओवर टाइम वर्किंग ना करें और फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। इक्विपमेंट से लेके आज से अब तो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो रहा है ऑनलाइन, तो लैपटॉप भी अगर दे सकते तो दे। तो ठीक, देखिए हम सारे बूथों पर सुबह से घूम रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा आगरा के लोगों का और अपील करूंगा कि भारी संख्या में ग्रेजुएट और शिक्षक निकल के अपने वोट का प्रयोग करें, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो। हमारे MLC असीम यादव जी स्थानिक और हवा जी शिक्षक के लिए हैं। मैं सारे बूथों पर गया हूँ। समाजवादी लोग हर बूथ पर बैठे हैं और अपने सपोर्टरों का वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में डलवाने का काम कर रहे हैं। एक बात और मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हम दोनों ही सीट, ये आगरा स्थानक वाली और शिक्षक वाली, जीते। एक बात और है, ये चुनाव जो है वो शिक्षकों से रिलेटेड है। विधान परिषद में जब जीत कर प्रत्याशी पहुंचता है तो वो शिक्षकों की समस्याओं पर बात करता है। इसको चुनावी मुखौटा जो दिया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, जैसे विहीन शिक्षक हैं, उनकी मांग को लेकर जिसने लड़ाई लड़ी, समाजवादियों ने हमेशा उनकी मदद करी, उनको पोस्टिंग दी, उनके पे स्केल बढ़ाने का काम करा और भाजपा की सरकार ने उसको 2 बार कम कर चुके हैं। और हमने ये सरकार से वादा किया है, हमने शिक्षकों से, कि 2022 में जब हमारे मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव होंगे, दोबारा इनका भाग्य बढ़ाने का काम किया जाए। तो ये जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं सभी पार्टियों के, इनको अब शिक्षक माना जाए या कोई राजनीतिक नेता माना जाए? नहीं, शिक्षक नेता को भी अधिकार है लोकतंत्र में ये चुनाव लड़ने का, तो शिक्षक नेता तो रहेंगे ही, विधायक बन जाए तो शिक्षक नेता प्लस विधायक दोनों जो हैं।